आज हम बनाएंगे चटकारेदार अमड़ा का अचार। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप अपने चैनल कुकिंग विद अमृता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अमड़ा का अचार बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम अमड़ा लिया है। यदि आपको रेशेदार अचार पसंद है तो थोड़े हार्ड वाले अमड़ा लें, और यदि आपको बिना रेशे वाले अचार पसंद है तो कच्चे वाले अमड़ा लें। मैंने कच्चे वाले अमड़ा लिए हैं। अमड़ा को 2-3 पानी से अच्छे से धो लें। अब अमड़ा के डंठल को काट कर इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। ये कच्चे हैं इसीलिए बहुत आसानी से डिवाइड हो जाते हैं। जिस अमड़ा में रेशा होगा वो काटने में थोड़ा हार्ड होगा। एक एक करके सारे अमड़ा को काट लें। अमड़ा में आयरन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। अमड़ा की खट्टी मीठी चटनी भी बनती है, उसकी रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक एक करके हम सारे अमड़ा को कट कर लेंगे। अमड़ा को कट करके एक साफ़ सूखे सूती कपड़े पे धूप में 2 से 3 घंटे फैला दें, जिससे कि अमड़ा के ऊपर का सारा पानी सूख जाए। 3 घंटे के बाद धूप में सूखाए अमड़ा को बाउल में ले लें और इसमें 2 बड़े चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। नमक और हल्दी को अमड़ा में अच्छे से मिक्स करें और अमड़ा को ढककर 6 से 7 घंटे के लिए रख दें, ताकि अमड़ा नमक के साथ मिलकर अपने पानी को रिलीज़ करे। मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था। अब सुबह में देखिए अमड़ा से कितना पानी रिलीज़ हुआ है। ये अमड़ा कच्चे हैं इसलिए इसमें पानी ज़्यादा रिलीज़ हुआ है। यदि आप रेशे वाले अमड़ा लेंगे तो उसमें पानी थोड़ा कम रिलीज़ होगा। अभी अमड़ा को 2 से 3 दिन धूप में सुखाएं, ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। अमड़ा 2 दिन धूप में सूखने के बाद इस तरह हो गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले तैयार करने के लिए एक पैन को लो फ्लेम गैस पे गर्म करें। पैन के गर्म होने पर इसमें 2 बड़े चम्मच पीली सरसों डाल दें। अचार में आप पीली सरसों का ही प्रयोग करें, इससे अचार का कलर अच्छा आता है। सरसों को लो फ्लेम गैस पे 2 मिनट के लिए भुनें। 2 मिनट के बाद इसे एक साफ़ सूखे मिक्सी जार में डाल लें। अब पैन में 1/2 छोटी चम्मच मेथी दाना डालें। मेथी दाना को कलर चेंज होने तक भुनें। अचार के सारे मसाले हम लो फ्लेम गैस पे ही भुनेंगे। मेथी का कलर चेंज होने पर इसमें 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 2 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन और 6 सूखी लाल मिर्च डाल दें। अचार में मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। मैंने मीडियम स्पाइसी अचार बनाया है। सारे मसालों को जीरा के लाइट ब्राउन कलर होने तक भूनें। जीरा के लाइट ब्राउन कलर होने पर इसमें 2 पिंच हींग डाल दें। हींग को भी 30 सेकेंड के लिए भूनें और गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब इन भुने मसालों को मिक्सी जार में सरसों के दाने के साथ डाल लें। पैन अभी गर्म ही है, इसमें 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी डालें और कलौंजी को गर्म होने दें। जार में रखे हुए मसालों को 5 मिनट के बाद दरदरा पीस लें। अचार के मसाले हमेशा दरदरा ही पीसें। पीसे हुए मसाले को सुखाए हुए अमड़ा के ऊपर डाल दें। अब इसमें कलौंजी डालें जो हमने पैन में डालकर गर्म होने रखा था। साथ ही इसमें 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च पाउडर, ये अचार में अच्छे कलर के लिए है, 1 छोटा चम्मच काला नमक, सबको डालकर अमड़ा में इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अमड़ा को मसालों के साथ मिक्स करके साइड रख दें। अब पैन में 1/4 कप या 60 ml के लगभग सरसों का तेल लेकर इसे धुआं उठने तक गर्म करें। फिर इसे 3-4 घंटे ठंडा होने दें। 4 घंटे के बाद जब ये नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए तब इसे अमड़ा के अचार में डाल दें। अचार में तेल को अच्छे से मिक्स करें। अभी एक बार अचार को टेस्ट कर लें कि इसमें नमक मिर्च सही है या नहीं। मुझे इसमें नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच काला नमक और डाल दिया। नमक को अचार में अच्छे से मिक्स करें और इसे 1 दिन की धूप दिखाएं। दिन भर धूप दिखाने के बाद अचार इस तरह हो गए हैं। अचार को आपस में अच्छे से मिक्स करें। अब एक साफ सूखा शीशे का जार लें, इसमें 1 बड़ा चम्मच विनेगर डालें
और विनेगर को जार में चारों तरफ अच्छे से मिक्स कर दें। इससे जार तो स्टरलाइज होगा ही, साथ ही साथ अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब जार का ढक्कन खोलकर इसमें अमड़ा का अचार डाल दें। जार के ऊपर एक टिश्यू पेपर रखें और इसका ढक्कन बंद करके इसे 10 से 12 दिन धूप दिखाएं। हर दिन दिन में दो बार अचार को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। 10 से 12 दिन धूप दिखाने के बाद ये अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अचार की सेल्फ लाइफ 1 साल से ज़्यादा है।